ओके, हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और सुबह के दोस्तों लगभग 8:30 बजे के करीब करीब का टाइम हो चुका है। तो आज जो है डेफिनेटली पहले तो सोच रहा हूँ कि कुम्हारमी जाऊँगा, जो कि एजेंसी है ना स्कूटी की, तो वहाँ पे जाऊँगा। और आपको पता है कि परसों का चला हुआ हूँ, परसों 8,000 पूरे किलोमीटर नहीं हुए थे, तो परसों शाम को हुए थे मेरे ख्याल से। तो फिर कल का जो दिन था, तो कल भी पूरा दिन भर, आपको पता है जब कोई बिजनेस करता है कोई भी एक इंसान, तो घुल मिल जाता है, जैसे कि सोचता है कि नहीं यार अभी इस काम को भी कर लूँ, उस काम को भी कर लूँ। तो ऐसे में दोस्तों काम तो करने ही पड़ते हैं, ऊपर से थोड़ी सी बहुत जिम्मेवारी होती है। तो वहाँ पे एजेंसी में जाऊँगा सबसे पहले, और उसके बाद जो है फिर अपना काम होगा, तो वहाँ पर चलते चलते फिर आगे चलेंगे। तो अभी जो है हमारे साथ जगदीश भाई भी निकल रहे हैं, तो ये पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, तो गए चलते हैं आगे। एक बार भाई साहब जी हमारे, तो इनको भी कुछ काम है, तो ये पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। तो भाई राम राम। राम राम। राम राम साहब। राम राम। तो दोस्तों हमारे जगदीश भाई जी, तो इनको अपना कोई पर्सनल काम होगा, तो भाई पता नहीं कहाँ को जाएंगे, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ सबसे पहले घुमारमी एजेंसी में ना भाई, बल्लू कुमार हूँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले सोच रहा हूँ कि आज काम करवा लूँ, क्योंकि स्कूटी का काम जो था वो टाइम ले करा, चाहे कोई भी गाड़ी। हेलमेट ले लो, नहीं भी ले लो है ले लो। तो भाई ने हेलमेट नहीं लिया था, तो वो हेलमेट लाने के लिए गए हैं, तो मैं भी अभी हेलमेट वगैरह लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मिलते हैं घुमारमी में। रास्ते में हमें अपने रजिंदर छोटे भाई मिल चुके हैं, तो हाय बोल दो पहले भाई। तो ये जो है अभी सर्विस में लग गए हैं दूसरी, पहले तो आर्मी, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड आए, और अभी जो है अभी कहाँ है, जाखड़ी। जाखड़ी, जाखड़ी ना, तो वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपने भाई रजिंदर भाई। तो बहुत खुशी होती है जब अपना आदमी कोई अच्छे काम में लग जाए, तो अच्छी बात होती है, तो बहुत खुशी हुई देख के। तो भाई फिर मिलते हैं आके ना, क्योंकि काफ़ी इंजॉय किया हमने 7-8 महीने ना, 9 महीने। हाँ, और दंगलों में आप देखते थे रजिंदर को भी, तो आगे भी देखेंगे आप दंगलों में इनको। हम बोलेंगे कि 15 दिन की छुट्टी लेके आए, ठीक है ना। दोस्तों तो मैं पहुंच चुका हूं NH, आप देख सकते हैं, जो कि कुलार उबली बोलते हैं, जहाँ से मैंने स्कूटी ली हुई थी SK होंडा, तो यहाँ से मैंने स्कूटी ली हुई है अपनी स्कूटी। और अब जो है ये कॉपी, जो कि 3 जो किस्त होती है ना, तो वो फ्री, 3 जो कि हमारा 3 टर्म होती है ना सर्विस करवाने की, तो वो फ्री। तो जो भी कुछ होगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ से जो है अभी हम अपने मैकेनिक जो होंगे या कोई भी होगा, तो उनसे मैं अभी बात करूंगा। तो गाइस चलते हैं आगे, जो कि स्कूटी की सर्विस है ना, तो बात सबसे पहले मैंने जिससे होगी, क्योंकि होंडा ये भाई साहब से मैं अभी एंट्री करवाऊंगा। आपको पता है सबसे पहले तो एंट्री कराई जाती है, तो भाई जी अब एंट्री कर रहे हैं, और इसके बाद जितना टाइम लगेगा उसके बाद जो है फिर मैं सर्विस करवाऊंगा, और ये तीसरी सर्विस है। तो अच्छा काम है यहाँ पे, बहुत अच्छी बढ़िया सेवाएं देते हैं भाई साहब जी, सभी जितने भी इनके वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अगर कहीं आपने स्कूटी लेनी हो या कुछ भी करना हो, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और ज़रूर लें। जो है वो कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो अभी जो है अभी हम यहाँ से भाई साहब हमारे लेके आ रहे हैं स्कूटी को। दिखा भाई साहब जी जो है वो से मेरी स्कूटी अभी आएगी, बाहर लगाई हुई थी। चेक कर रहे हैं भाई साहब, चले गए तो लगता था भीड़ का मंदिर, और साथ में दूसरा मंदिर महाराज गरीब जी महाराज। भाई साहब आगे राउंड लगा के तो देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी स्कूटी तरह से गैरेज में लगेगी। तो गाइस अभी जो है स्कूटी की सर्विस स्टार्ट। सभी जो भी आए हुए हैं, तो सभी अपने स्कूटी को लेके जो आया होगा, तो ये पूरा काम करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो देखिए गाइस स्कूटी जो है इसका ऑयल जो है वो
वाली है। फिल्टर जो है वो कंडम हो गए, देखिए डस्ट। तो भाई साहब का कहना है कि जो कि किक कहना है तो किक भी कभी कभी स्टार्ट करनी चाहिए, किक से भी तो मैं करता था, लेकिन 5 महीने में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार की हुई किक से स्टार्ट। चाय लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं चाय पीता नहीं, तो आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी सेवाएं देते हैं, हर बार आते हैं तो चाय पानी पिला के जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में हमारे दोनों भाई साहब जी का भी, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, मैं भी आने का ऐसा था कि पिछली जो कि हमारी सर्विस थी तो मैं यहाँ पे पहुँचा, तो सभी जो कि हमारे भाई साहब को अच्छा प्यार भी मिला। और यहाँ पे सर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो कि इनके जो कि ये अपना शॉप है ना, तो बहुत बढ़िया अच्छी और अच्छी डीलिंग है सभी की, तो ऐसा ही काम होना चाहिए दोस्तों। सेकंड टाइम जो है मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग डाल रहा हूँ आपको, तो अच्छी यहाँ पे जो कि फैसिलिटीज है, अगर किसी को चाहिए होगी तो एसके होंडा कम जो कि इनका नाम है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे इनका व्यवहार और ये स्कूटी। बस फैली जो के स्कूटी का काम था ना, आपकी सर्विस थी तो वो क्लियर हो गई है, तो अब बिलिंग बन रही है मेरी, तो भाई से देखते हैं क्यों ना बनता है बिल। हाँ जी, 700 रुपये। कितने? 700 रुपये। तो भाई 700 रुपये बिलिंग हुआ, क्योंकि इसका जो कि फिल्टर था ना, फिल्टर चेंज हुआ। ये रहा बिल, भाई आपका बहुत थैंक्स, धन्यवाद, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर जो फोन लगा दिया, तो पहाड़ी मुड़ा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। ठीक है सर ना, थैंक यू, थैंक यू सर। अपना जो के भाई मैंने पूरे भेज दिए थे, तो वो जो है वो अभी स्कूटी को लेके गए हैं, क्योंकि आपको पता है जब स्कूटी ठीक मतलब सर्विस की है तो उसकी चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो चेक करने हैं मैं हमारे भाई साहब जी, तो देखते हैं कहाँ तक लेके गए हैं और फिर वो बताएंगे मेरे को कि ठीक है या नहीं है। तो गाइस चलते हैं आगे, तो वो देखिए पार सामने आ चुके हैं हमारे भाई साहब। ये रही अपनी स्कूटी, और इसका गैस थोड़ा सा जो कि ये लूज हो गई ना पत्ती, हाँ जी, तो इसको भी गैस वेल्डिंग करवाऊंगा। एक मिनट, जब हम कहीं पे जाएं और कहीं कुछ अच्छा काम हो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो गैस ऐसे में दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा आपको कि यहाँ पे मैं स्कूटी ली ना भाई से, एस के होंडा, बहुत अच्छी सेवाएं और अच्छे वो था, इनका दाम भी अच्छा था, बढ़िया कम दामों में, और एक अच्छी चीज़ जो थी मेरे को दी, तो काफ़ी नाम जो है सब मैंने इससे बनाया है, स्कूटी से भाई और आप सब भाई साहब बिल्कुल बढ़िया कर दिया काम इन्होंने। ओके सर, ओके। तो ये है हमारे भाई साहब जी, बाय 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 ना, बाय नाम बाय। नाम क्या भैया? मनु मनु मनु। तो मनु भाई आपका दिल की गहराई से धन्यवाद, ठीक है भाई, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। तो भाई अब यहाँ से लूँगा इजाज़त और मिलते हैं आगे, चलते हैं, थैंक यू। गाइस फाइनली अपना काम जो है वो हो चुका है, तो स्कूटी बिल्कुल रेडी, और अभी जो कि ये टांका जो छोटा था ना लूज हो गया था, तो इसको मैंने गैस वेल्डिंग से कराना था, लेकिन अभी गाइस लाइट नहीं है, आज आपको पता है शाम से ही लाइट नहीं है, तो देखता हूँ अगर लाइट आती है तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो चलते हैं आगे, पार धार सामने का आपको व्यू, तो यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया दिखता है, और ये फाइनली मैं जो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ अपने कलर मोड़ से आगे, तो साडू जी से बात हुई थी, तो उनके घर में जा रहा हूँ अभी, तो अभी थोड़ा सा भूख भी लगी है, तो वहीं पे खाना खुना वगैरह खाएंगे। तो गाइस अभी चलता हूँ आगे, क्योंकि थोड़ी सी देर यहाँ पे थोड़ा सा काम था तो वो किया, अब चलेंगे, पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रखा है क्योंकि लाइट नहीं है आज। पहुँच गया हूँ फाइनली अपने साडू जी के घर में,
और तो साहब जी हमारे यहाँ पे साहब जी जय हिंद। हेलो भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। हाँ, आज बिल्कुल कड़ाका करके बोला है बढ़िया। इस साइड को थोड़ा सा उस साइड में और है ना। तो दोस्तों अभी जो है अभी पहुँच गए यहाँ पे फाइनली। तो आपको पता था मैंने बोला था कि भूख वगैरह भी लग गई थी और खाने का समय हो गया था। तो रास्ते में चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए। तो दोस्तों भी चाय पानी पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर एक पर्सनल काम है उसको करेंगे। तो दोस्तों फाइनली खाना रेडी हो चुका है। देखिए शक्कर और चावल साथ में दोस्तों देसी घी और सलाद प्याज का और सब्जी क्या जी अचार दे दो अचार दे दो सब्जी सब्जी क्या बनी सब्जी सब्जी लगा रही कौन सी साल सब्जी क्या बने उसको दाल दाल खरीद सब्जी मलका दाल और साथ में अचार है। बोल रहे हैं पता नहीं किस चीज का है। तो भाई इस चीज़ का पता नहीं लगा ये क्या है। कमेंट बॉक्स में बता के जरूर बताइए किस चीज़ का अचार है ये और साथ में ये पता मेरे को नहीं लग रहा है भाई। ऐसे करके जो है हमने दो भैंसें ले ली हैं, एक कटड़ी ली है लगनसार जो रोड़ी है और एक ये गब्बन। तो दो लेके आए मैं और नंदलाल भाई के लड़का गोरू, दोनों गए उसे और भाई को बुलाया हमने से जल्दी आओ क्योंकि अकेले से माल उतरता नहीं है ना। जो गब्बन माल होता है तो वो उसको ठीक तरीके से लेना पड़ता है। तो गाइस यहाँ से वो पार्सल आप दे सकते हैं। गौरू जो है वो पैसे निकालने के लिए गया है एटीएम में और मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है और अब जो है अब फाइनली अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अगर कुछ और बना कुछ बात तो आपको दिखाऊँगा। तो ये अभी मैं बर्फी जो कि छोटा चाहूँ ना तो वहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। जो हम खिल्लू में आए हैं और साथ में हमारी जो दादी है तो दादी के तजर्बे जो हैं। अम्मा उम्र कितनी हुई? 85 साल उम्र हो गई हमारी। और अम्मा बोलती भाई मैस खरी पा रही अम्मे देखो दस दा मैं थोड़ा मैस अम्मा मैस जी तो मैस को सो सुना हा तीजे ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये है भैंस और आए थे हम, पता लगा था यहाँ पे कि भैंस है सोने वाली तो शायद ले लें। अगर बात बनेगी तो ले भी सकते हैं क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर बात बनेगी तो चले लेके चलेंगे, अगर नहीं बनेगी तो अम्मा जी की भैंस अम्मा के पास और हमारे पैसे हमारे पास। अम्मा से बात करके अगर बात बनती है तो ले लेंगे, अगर नहीं बनेगी तो स्कूटी की चाबी हाथ में है तो निकल जाएंगे। और अम्मा ने दोस्तों ये कद्दू था कद्दू दिया अम्मा ने दोस्तों। ये अम्मा जी ने दिया कद्दू। अम्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुम्हें कद्दू त्यारा खाने हो है ना। और ये दोस्तों देखिए बेल और ये भी कद्दू लगा है और वो पार और बहुत बड़ी बेलें लगी हैं। देखिए ये भी कद्दू है, कोई नहीं जी कोई। तो ये बेल लगाई है ना कद्दू की और एक ये है ये देखिए जी दोस्तों। तो अब कहीं जाके फैमिली अपने घर में पहुंच गया हूं और आपको किचन में लेके चलता हूं। तो किचन में जो है भवाई देख सकते हैं आप भिकू को हाय और साथ में पल्लू पल्लू जो है पल्लू हाय पल्लू जो है पल्लू चपाती बना रही है। भिकू ने आते ही अचार खाना जो है शुरू कर दिया जो कि हम साधू साहब के घर में गए थे ना तो उन्होंने अचार दे के दिए डिब्बे में और इसने जो है टेस्ट कैसा है बिकू चार अच्छा है अच्छा। और पल्लू जी पल्लू पल्लू आपने भी खाना चार तो सब्जी क्या बनाई है? तो गाइस सब्जी जो है घी है के साथ आज पूरा दिन जो जो किया वो आपके साथ शेयर किया। और सबसे जरूरी काम था मेरा आज जो के फैमिली हो गया है स्कूटी का क्योंकि 8000 से ऊपर किलोमीटर चल चुकी थी 8090 किलोमीटर ऐसी चल पड़ी। और आपको पता है कि जो कि अपना वो होता है ना एक दिन से करवाना चाहिए अपना सर्विस तो तीसरी सर्विस जो थी वो होनी थी इसकी वो हो गई है। तो आज बहुत खुशी हुई है मुझे भी, आप सबको भी ये जान के खुशी होगी कि 8000 से ऊपर जो चला दी है और आज जो है मेरा काम बन गया बिल्कुल। और बाकी भी जहाँ जहाँ पर गया था वहाँ पर अच्छा ही काम रहा आप सबके सेवा से भगवान के। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है वो अभी 8 बजे से जो कि एंड कर रहा हूँ 8 बजे के बाद। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग दोस्तों अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा को फॉलो करना मत भूलिए, इंस्टा आईडी है मेरी पहाड़ी मिला 23। तो और ब्लॉग का करता हूँ अब यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।